पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे टबलू गोचू और भोंदू अपने फेवरेट कैफे में चाय की चुस्की लेकर आराम फरमा रहे थे, जब एक इन्फेक्टेड इंसान जो अब एक भयानक ज़ॉम्बी बन चुका था कैफे में घुस आता है और पूरी जगह पे कोहराम मचा देता है। तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। पूरा शहर अब एक डरावनी हॉन्टेड नगरी बनने की कगार पर है। फिर तीनों को उनके पड़ोसी मिस्टर शर्मा मिलते हैं। वो मिस्टर शर्मा को सही सलामत उनके घर छोड़ने का वादा करते हैं, लेकिन इनको क्या पता था कि जिस आफत से वो दूर भाग रहे थे वही मिस्टर शर्मा के अंदर छुपी हुई थी, क्योंकि वो भी अब एक ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो चुके थे। और अब एक और ना सोची हुई मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, जिसकी सिर्फ कल्पना करना भी दिल दहला देता था। तो चलो अब आगे की स्टोरी देखते हैं। कमरे में धीमी रोशनी थी और तीनों दोस्त वहाँ पे दहशत में खड़े थे, जब उन्होंने मिस्टर शर्मा का भयानक ज़ॉम्बी रूप देखा। ये सीन इतना डरावना था कि ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। इस वायरस को यहाँ रोकना होगा, नहीं तो ये इंसानियत का ही अंत कर देगा। अचानक भोंदू डर के मारे बोला, अब हम क्या करें यार टबलू, हम यहाँ शर्मा अंकल के साथ फंस गए हैं। हम उन्हें अस्पताल भी नहीं ले जा सकते और ना उनको यहाँ ज्यादा देर तक बांध कर रख पाएंगे। जैसे ही भोंदू ने बात खत्म की वहाँ पे लाइट चली गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर मौसम भी खराब हो रहा था, गरजते बादलों ने माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना दिया था। टबलू सबकी हिम्मत बांधते हुए बोला, अरे यार मेरे पास एक प्लान है भोंदू। गोचू तुम एक काम करो, तुम एक टॉर्च का इंतजाम करो, और हाँ भोंदू तुम फ्रिज में जितना भी जो भी कुछ मिले उसको एक बैग में भर लो। गोचू तुम्हारे यहाँ रेडियो तो होगा ना? हाँ टबलू रेडियो तो है। अच्छा ठीक है, फिर हम रेडियो पे जाके सुनते हैं कि क्या माहौल चल रहा है, और तुम लोग चलते जाओ काम पे लग जाओ। गोचू ने थोड़ा कंफ्यूज होके पूछा, अरे टबलू तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है यार, अपना प्लान हमको भी शेयर करो। समझाने का टाइम नहीं है गोचू, बस ये सब चीजें जल्दी से इकट्ठा करो। फिर सब अपने अपने काम में लग गए, इस उम्मीद से कि टबलू है तो मुमकिन है उसके पास जरूर कोई अच्छा सेफ प्लान है यहाँ से बाहर निकलने का। भोंदू फ्रिज से जरूरी सामान तेजी से बैग में भरने लगा। इधर टबलू रेडियो के साथ छेड़खानी कर रहा है ज़ॉम्बी वायरस के आउटब्रेक के बाद शहर की क्या सिचुएशन है इसके बारे में पता लगाने के लिए। जब वो आखिरकार एक चैनल पर सेट हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सरकार ने पूरे शहर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। वायरस के तेजी से फैलने की वजह से सभी लोगों को अपने घरों में रहने की सख्त हिदायत दी गई है। मिलिट्री सड़कों पर गश्त लगा रही है और किसी को भी बाहर निकलते हुए देखा गया तो उसे गोली मारने का ऑर्डर दिया गया है। वार्निंग साफ थी, जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते तब तक घर में ही रहो। अरे यार अगर अब बाहर नहीं जा सकते तो अब तो यहाँ पे भूखे मर जाएंगे, लेकिन अब हम बाहर जाए भी तो कैसे। इसी उलझन में उनकी बातचीत के बीच डोरबेल बजती है और तीनों डर जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान दरवाजे पर कौन हो सकता है? क्या कोई ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हुए उनके पीछे यहाँ तक आ गया, या फिर किसी और को उनकी मदद की जरूरत है? डब्लू डरते हुए पूछता है, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो फिर पूछता है, अपना नाम बताओ कौन हो। कुछ देर के सन्नाटे के बाद दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं मिसेस शर्मा हूँ आपकी पड़ोसन, मेरे पति सब्जी लेने गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। तीनों एक दूसरे को चिंता भरी निगाहों से देखते हैं और फिर एक नज़र पीछे शर्मा अंकल की तरफ देखते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें कैसे बताएं कि उनके पति तो यहाँ भूत बनके उनके घर में ही बैठे हुए हैं। टबलू दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन दोनों उसे रोकते हैं इस डर से कि मिसेस शर्मा भी शायद वायरस से इन्फेक्टेड हो सकती हैं, जो उन सबके लिए खतरा बन सकती हैं। लेकिन टबलू नहीं मानता और कहता है, मैं उनकी मदद करूंगा, आगे जो होगा देखा जाएगा, हम उन्हें ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकते, तुम लोग यहीं रुको। टबलू गहरी सांस लेता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही टबलू ने दरवाजा खोला मिसेस शर्मा को बिल्कुल सही सलामत अपने सामने खड़ा पाया। टबलू ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया और दरवाजा बंद कर दिया। मिसेस शर्मा के अंदर आते ही उनकी नजर मिस्टर शर्मा पर पड़ी जो कुर्सी पर रस्सी से बंधे हुए थे। मिसेस शर्मा बोली, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने हैरानी से कहा, मैंने इन्हें सब्जी और छोले मसाले लाने के लिए बोला था, और ये इनका चेहरा भटूरे की तरह फूला क्यों है, क्या हुआ इन्हें? गोचू बोला, अरे आंटी अब ये छोले नहीं खाते, बस दूसरे जिंदा इंसानों को खाते हैं, ये ज़ॉम्बी बन चुके हैं, लगता है आपने एलियन ज़ॉम्बी वायरस की खबर नहीं सुनी। फिर तीनों ने मिसेस शर्मा को पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश की। फिर जब थोड़ी देर बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ तो टबलू ने कहा,
अरे यार, हम सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। अगर हम इस वायरस का सोर्स पता लगा ले और ये पता लगा ले कि ये कहाँ से फैलना शुरू हुआ, तो हम इसका इलाज ढूंढ सकते हैं। डब्लू ने एक ब्लूप्रिंट दिखाया जिसमें सीवर लाइन के जरिए वहाँ से निकलने का प्लान था। सभी लोग डब्लू के प्लान से सहमत हुए। इस तरह हम बिना मिलिट्री की नजर में आए इस वायरस का इलाज भी ढूंढ सकते हैं। डब्लू घोचू भोंदू और मिसेस शर्मा ने अपने मिशन के लिए तैयारी कर ली। उन्होंने रास्ते में काम आने वाली सब जरूरी चीजें इकट्ठा कर ली और अपने साथ रख ली, और फिर ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए एक एक करके सब बाथरूम के सीवर लाइन में उतर गए और एक अनसुलझे खतरनाक सफर पर निकल पड़े। जैसे जैसे सब उस अंधेरी सीवर लाइन में उतर रहे थे, वहां की बदबू और तंग गलियां उनकी हिम्मत का टेस्ट ले रही थी। वो गंदे पानी से होकर चल रहे थे, सिर्फ टॉर्च की धीमी रोशनी और टब्लू के दिए ब्लूप्रिंट के सहारे वो आगे बढ़ रहे थे, ये जाने बिना कि आगे कुछ भी खतरा हो सकता है। उस सीवर लाइन में उनके कदमों की आवाज उन्हें ये एहसास दिला रही थी कि वो अकेले नहीं है, क्योंकि एक डर उनके साथ चल रहा है जो है फियर ऑफ अननोन, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। डब्लू के टॉर्च की रोशनी से सीवर टनल में रोशनी फैल रही थी जो आगे का रास्ता दिखा रही थी, और सीवर की गीली दीवालों पर पानी की बूंदें चमक रही थी। डब्लू हर कदम संभाल कर रख रहा था। उसके पीछे कोचू जो बेसबॉल बैट को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ा हुआ था अपने दोस्तों की सेफ्टी के लिए। भोंदू ने सप्लाई से भरा बैग उठा रखा था, और मिसेस शर्मा जो सबसे पीछे चल रही थी उनके होठों पर प्रार्थना थी और उनकी उंगलियां एक लॉकेट को पकड़े हुई थी जैसे कि वो उनकी जिंदगी की एक डोर हो। हवा में सड़न की बदबू थी और कीड़े मकोड़े और जहरीली गैस की वजह से ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अस्थमा से जूझ रही मिसेस शर्मा ने कहा, मैं अब और नहीं चल सकती, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे सब कुछ घूमता हुआ दिख रहा है। लेकिन तीनों दोस्तों ने मिसेस शर्मा को हिम्मत दी कि बस थोड़ा आगे चलिए, हम बस पहुंच गए, आगे कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा जो हमें यहां से बाहर निकालेगा, बस थोड़ी हिम्मत और हम बस पहुंच गए। डब्लू ने ब्लूप्रिंट दोबारा देखा और उसने देखा कि रास्ता यहीं कहीं होना चाहिए। वो सब आगे बढ़ गए, फिर वो अंदर और अंदर चलते चले गए, और आगे जाकर उन्हें एक चौंकाने वाला नजारा मिला। उन्हें एहसास हुआ कि सीवर लाइन का राज सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं था, उन्हें एक अबेंडन कैंप दिखाई देता है जिससे पता चलता है कि उनसे पहले भी यहाँ पर कोई आ चुका है। सब ने एक दूसरे को देखा और फिर टब्लू ने कैंप को गौर से पास जाकर देखने का फैसला किया। उसने पहला कदम लिया ही था तभी कैंप के अंदर से अचानक कुछ हलचल हुई। डब्लू वहीं पर थम गया जैसे उसके पैर जमीन में चिपक गए हों। पूरे माहौल में दहशत फैल गई, कैंप खाली नहीं था, कोई ना कोई अभी भी वहाँ था उस कैंप के अंदर। क्या वो कोई बचा हुआ इंसान था या फिर कोई ज़ॉम्बी? कैंप के हलचल के पीछे का राज एक भारी पहेली बनकर हवा में तैर रहा था, एक ऐसी गुत्थी जो सुलझने के इंतजार में थी। क्या वो सिर्फ हवा थी या फिर किसी मदद की आस में कोई बैठा हुआ इंसान, या फिर वो इंसान जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था? लेकिन कोई कुछ भी सोच ले, सच्चाई तो उस कैंप के अंदर ही छुपी हुई थी। डब्लू ने आगे बढ़कर उस सच्चाई का सामना करने का फैसला किया। तभी उस कैंप से कुछ बाहर आया, सब डर के पीछे हो गए। ये तो एक छोटी सी बिल्ली है जो काफी डरी और सहमी लग रही है। लगता है कुछ लोग ज़ॉम्बी के डर से यहाँ पर छिप गए थे और ये बेचारी बिल्ली यहीं रह गई। डब्लू ने सोचा उन्हें किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा जिस वजह से उन्हें यहाँ से भागना पड़ा। उसने बिल्ली को बुलाया जो पहले काफी झिझक रही थी लेकिन फिर धीरे से पास आई। डब्लू ने उस बिल्ली को अपनी गोद में ले लिया और उसे सहलाने लगा। उसने उसे भरोसा दिलाया कि तुम हमारे साथ बिल्कुल सेफ हो, डरो मत। वो सब फिर आगे चल दिए और घंटों की मेहनत के बाद उन्हें कहीं से एक रोशनी आती हुई दिखी और यही एग्जिट था। लेकिन वो जैसे ही पास पहुंचे उन्हें मिलिट्री के बूट्स और रेडियो के बातचीत की आवाज सुनाई दी। डब्लू ने धीरे से झांक कर देखने की कोशिश की। मिलिट्री वहां पर तैनात थी और गश्त लगा रही थी जैसे रेडियो ने वार्निंग दी थी। वहां पे सारे सोल्जर्स एरिया को गार्ड कर रहे थे और वो जगह भी पूरी तरह से तहस नहस लग रही थी। साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ का अटैक हुआ है। डब्लू धीरे से बोला, अरे यार, हमें डिस्ट्रैक्शन चाहिए या फिर कोई दूसरा रास्ता, हम लोग वापस नहीं जा सकते, नहीं इन लोग से लड़ सकते। डब्लू ने पूरा ब्लूप्रिंट छान मारा लेकिन कहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। अब वो सब सोचने लगे, हम क्या करें, क्या हम यहीं फंस के रह गए, इतनी ज्यादा आर्मी से हम अकेले कैसे लड़ सकते हैं।
तभी एक सोल्जर टब्लू को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो टब्लू की तरफ आ रहा है। लगता है अब हम मरे, अब ये हमें पकड़कर जेल में डाल देंगे। हमारा एलियन वायरस का इलाज ढूंढने का मिशन अधूरा रह जाएगा। गाइस, अब क्या होगा? क्या टब्लू और उसके दोस्त जेल की काल कोठरी में बंद हो जाएंगे? कैसे बचाएंगे वो इंसानियत को इस जॉम्बी वायरस से? इसका जवाब मिलेगा आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में लिख देना पार्ट 3। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करो और अपने दोस्तों और दुश्मनों के साथ शेयर करो। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।